नमस्कार छात्रम छात्राओं, मेरे प्यारे बच्चों, लल्लन टॉप सीरीज हाई स्कूल की बेस्ट सीरीज, हाई स्कूल मैथ्स की बेस्ट सीरीज। कैसे? पूरे मैथ्स चैप्टर इसी में मिलेंगे और लल्लन टॉप तरीके से पढ़ेंगे। समझे कि नहीं समझे बच्चों? समझो और पेशेंस के साथ पढ़ते रहो। पेशेंट नहीं, पेशेंस है ना बच्चों। पेशेंस माने धैर्य। तो बच्चों धैर्य रखो और पढ़ते रहो। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल त्रिनेत्रा फ्यूचर एकेडमी में। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। चौथा क्वेश्चन क्या था? कंप्लीट कर लिया था हम लोगों ने। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। और फिफ्थ क्वेश्चन क्या है बेटा? आपके बोर्ड पर और मैं देखूंगा अपनी कॉपी में, ठीक है? फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3। क्या लिखा हुआ है? इफ 4 tan थीटा क्या दिया हुआ है? ठीक, उसके बाद दिया है वैल्यूएट करना है आपको। वैल्यूएट करना है क्या? 4 sin थीटा। क्या करना है? 4 sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 अपॉन 4 sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस का 1। ठीक बच्चों, क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं लगना चाहिए। अगर क्वेश्चन टफ लग गया तो क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। ठीक बच्चों, तो देखो यहाँ पे, देखो ये ऐसे कि tan थीटा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 3/4 लिख सकते हैं, है ना बेटा? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? परेशानी तो अब आपको महसूस होने वाली है समस्या कि आपको बार बार पढ़ना पड़ता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो इसका भी निवारण आपको मिलने वाला है। फिर एक बार रिपीट करते हैं कि आप लोगों को पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले बोलने में थोड़ा वक्त लगता है, तो इसका भी निवारण आपको हम अभी देने वाले हैं। देखो क्या होगा, अगर साइन थीटा है तो आप सीधे कह दो पीएच। क्या कह दो? पीएच। कॉस थीटा है बी वाई, यानी बीएच, बी वाई एच बोलने के बजाय। और टैन थीटा है तो बोल दो पीबी। साइन थीटा पीएच, कॉस थीटा बीएच और टैन थीटा पीबी, ऐसे जल्दी याद हो जाता है। टैन थीटा पब बोल सकते हो और कॉस थीटा को कुछ भी बना लो, बाहु, और साइन थीटा को पाहू पीहू, है ना? बना लो, याद हो गया, दो मिनट में याद हो जाएगा। क्या मतलब है इतना लंबा चौड़ा? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, टैन थीटा पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। याद हुआ कि नहीं हुआ? याद हो गया होगा। चलो आगे आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे बच्चों। टैन थीटा पी बी होता है, तो कर लो। अब मैंने कल बताया ट्रिपलेट। क्या बताया बच्चों? ट्रिपलेट। याद ना हुआ हो तो याद कर लो। 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5। जब परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है, तो हाइपोटेनस सबसे बड़ी वाली होती है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ट्रिपलेट लग ही जाएगा। ट्रिपलेट लगेगा 3 4 5, तो मैं सीधे हाइपोटेनस को मानूंगा 5। मैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग नहीं करने वाला हूँ। आप लोग चाहो तो कर भी सकते हो, कर लेना, ज़्यादा सही रहेगा। पाइथागोरस थ्योरम जो होती है, वो होती है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच निकालना है आपको, पी दिया हुआ है 3 का स्क्वायर और बेस दिया हुआ है 4 का स्क्वायर, तो हो जाता है 9 प्लस 16 और यहाँ पर आ जाएगा 25। देन एच इज इक्वल टू एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25, देन एच इज इक्वल टू 25 रूट 25, देन एच इज इक्वल टू 5। यही आया कि नहीं आया? ये बेटा मैंने डायरेक्ट इसलिए किया क्योंकि आप लोग ये हैबिट में पढ़ा रहे, जब लॉन्ग आए तो ये करो और जब वेरी शॉर्ट यानी कि जब ऑप्शनल आ जाए ना तो आप यही उड़ा दो लगा के, काम खत्म।
ठीक है, क्योंकि अब तो MR भी चलने लगा है ना, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है, आप इसको लिखा रहने देता हूँ, इसका बहुत बड़ा योगदान है तुम्हारे इस क्वेश्चन में। अब साइन थीटा की वैल्यू निकालो, अभी दो तरीके से बताऊंगा, पहला मेथड है ये, आप पहले मेथड से कर रहे हैं ना बेटा। तो यहाँ पे साइन थीटा क्या होता है, पी एच पी हू है ना, साइन थीटा पी हू, कॉस थीटा बाहू और टैन थीटा पाहू, याद हो गया दो मिनट में। अब पी हू वैसे भी एक बार चेक कर लेते हैं भाई, गलत तो नहीं हूं ना, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बिल्कुल सही। तो P बाई H ऐसे होता है, P क्या आया, P आया बेटा 3 और H क्या आया 5 आ गया। अगली वैल्यू जो है वो cos थीटा की है, काहे की है, cos थीटा की है, cos थीटा होता है बाहू, बाहू यानी BH, क्या BH, तो बाहू जो होता है, बाहू का मतलब है बी कितना है 4 और एच कितना है 5। पुट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा इन दिस, है ना, चलो तो 4 साइन थीटा बच्चों क्या है 3/5, साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है ना, कुछ नहीं है, रटना है, रटना समझ लो, रट्टा मार वाला है, ट्रिग्नोमेट्री का रट्टा मार, प्रैक्टिस पर डिपेंड है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन उतने ही अच्छे से आप मैथ्स कर पाएंगे, ठीक है। फिर माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों 4/5, अभी देखना हम इसके इजी कैलकुलेशन बना सकते थे, अभी तो तुमको नॉर्मली बता दे रहा है, ठीक है। फिर प्लस 1 और यहाँ पे देखो 4, साइन थीटा की वैल्यू 3/5 और कॉस थीटा की वैल्यू 4/5, माइनस का 1 ये प्लस में है ना, सॉल्व इट। तो 4 × 12, पहले बॉडमॉस के रूल के अनुसार पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऐड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस 1 माइनस का 4/5 बच्चे अपॉन 4 × 12/5 माइनस प्लस का 4/5 माइनस 1, एकदम बॉडमॉस के रूल के अनुसार चलेंगे, 5 × 5 एलसीएम लेंगे तो पूरा पूरे एक साथ ले लो, 5 × 12 और जब यहाँ पे 1 ही होता है, 1 को जब 5 से भाग दोगे तो 1 × 5 = 5 यानी प्लस 5 आ जाएगा, −5 × 5 यहाँ पे 4 आ जाएगा, अपॉन यहाँ पे जब एलसीएम लोगे तो 5, यहाँ पे 12 है तो 12 रहेगा, यहाँ पे 4 है तो 4 रहेगा, लेकिन यहाँ पे जब 1 होता है तो 1 का जब 5 से भाग दोगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। आया बेटा इतना, आ गया ना, थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ, एकदम सही दिख रहा है, क्लियर, यस एकदम बकायदा, एकदम अच्छे से क्लियर दिख रहा है, इक्वल का प्रयोग नहीं किया है तो मैं इक्वल का प्रयोग कर दूँगा, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा समझने में, कोई दिक्कत यहाँ पे समझने में, कोई दिक्कत हो, सीरियल से एकदम प्रयोग कर रहा हूँ कि साइन थीटा की वैल्यू निकाला, कॉस थीटा की वैल्यू निकाला, फिर ये वाला इसमें वैल्यू मैंने पुट की, फिर ये और यहाँ पे ये इक्वल, ठीक। अब इसको मैं क्या करने वाला हूँ, हल करने वाला हूँ, 12 × 5 = 17 और 17 में 4 जाएगा कितना आ जाएगा 13, यानी मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकता हूँ 13/5 अपॉन 12 × 4 = 16 और 16 में 5 गए, 12 × 4 = 16 और 16 में 5 गए तो 11 × 5। और एक चीज़ कल बताया था, शायद आप लोगों ने देखा नहीं होगा, देख लेना, क्या लिखा, a/b / c/d, तो ये ऊपर जाता है ना तो बन जाता है a/b (d/c), ये बनता है बच्चों ऐसे, वैसे ही सेम यहाँ पे ऐसे करो 13/5 × ये ऊपर आ जाएगा 5 और 11 नीचे चला जाएगा, 5 × 5 कटा तो कितना आ गया 13/11, ये रहा उत्तर। स्क्रीनशॉट ले लो, एक और दूसरा तरीका बताते हैं इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और फिर हम बढ़ते हैं आगे, जल्दी से करो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, हरिया हरिया बच्चों जल्दी से।
स्क्रीनशॉट उम्मीद है आप लोगों ने ले लिया होगा। अब इसका सेकंड मेथड देखो, सेकंड मेथड यहां से मैं मिटा रहा हूं, मुझे साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू के लेना देना नहीं है, ठीक, ये मैं मिटा देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बच्चों। ये कैलकुलेशन में इजी लगा होगा, लेकिन इससे भी इजी है आपको अगर देखें, थोड़ा सा लेंदी होता है लेकिन इजी होता है, अगर एक बार समझ गए ना तो क्वेश्चन हिले ले 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 खत्म, ले 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 खत्म, ले 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 खत्म, है ना, सटाक फटाक। चलो देखो बेटा, फोर अगर मैं इसको देखूं तो क्या मैं इसमें टैन और सेक में बना सकता हूं कुछ बहुत, कह दो गुरु जी कैसे, गुरु जी कैसे। तो हमने कहा अगर ऊपर वाले में कॉस से डिवाइड कर दो सबको और नीचे वाले में कॉस से डिवाइड कर दो तो ये टैन और सेक में बन सकता है। तुमने कहा गुरु जी ऐसे कैसे कि आपने जिसमें पाया उसमें कॉस घुसेर दिया, जिसमें पाया कुछ। अरे बच्चा, अगर कोई चीज ऐसे लिखी होती है तो मैं चाहूं तो उसमें दो से तीन को डिवाइड कर दूं, फिर तीन को तीन से डिवाइड कर दूं, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा क्वेश्चन पे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। गणित बोलती है अगर तुमने ऊपर भी किसी से डिवाइड किया तो नीचे वाले में भी डिवाइड करो, तो फर्क नहीं पड़ता हमको, मैं वही रहूँगा जो पहले, मैं वही रहूँगी जो पहले थी, गणित यही बोलती है बच्चा। समझे कि नहीं समझे, गणित के बोलने पर ना जाओ, गणित के मतलब गणित के बोलने पर जाओ, जो बोल रही है उस पे जाओ, मानो जो मन चाहो वो मानो, बस मेथड गलत नहीं होना चाहिए। मानने का तरीका ये है कि गणित जिस हिसाब से बोल रही है तुम इस हिसाब से मानो, उसी हिसाब से मानो, पता लग मानना इधर से था तो मान इधर से लिए तो दिक्कत हो जाएगी ना बच्चों, तो ध्यान देना, ठीक है। अब देखो फोर साइन थीटा को मैंने सबको कॉस से डिवाइड कर दिया, अपॉन फिर यहां पे फोर साइन थीटा को फिर कॉस से डिवाइड कर दिया, प्लस माइनस माइनस वन बाई कॉस थीटा, है ना बेटा, बच्चों बन गया ना कॉस। अब देखो यहां पे क्या बन जाएगा, यहां पे बन जाएगा फोर साइन कॉस, किसका फॉर्मूला होता है साइन बाई कॉस, टैन का होता है बच्चों, तो यहां पे फोर टैन थीटा माइनस कॉस थीटा, यानी कॉस कॉस कट जाएगा तो वन आ जाएगा, और यहाँ पे सेक थीटा बन जाएगा, बन गया, ये क्या हो गया, ये फोर टैन थीटा हो गया, और यहाँ पे कॉस कॉस हो जाएगा तो प्लस वन, और यहाँ पे माइनस का सेक थीटा। बच्चों ध्यान दो, सेक थीटा की वैल्यू अब आपको सिर्फ निकालनी, टैन थीटा की दे रखी है, तो सेक थीटा कॉस का होता है, कॉस का होता है बाहू, तो एच बी हो जाएगा, सेक का क्या हो जाएगा एच बी, याद हो गया होगा जल्दी, एच कितना है पाँच, बेस कितना है बेटा, बेस है चार, पाँच बटा चार, एक बार मिला लेते हैं गलत ना होने पाए, है ना, आपके कंफर्म के लिए, पंडित बद्री प्रसाद, ये देखो बी आ गया, हर हर भोले, एच बी हो गया ना, कॉस थीटा का उल्टा। तो अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखेंगे, मुझे पता है कि प्लस वाला पहले होगा माइनस वाला बाद में होगा, तो उसी हिसाब से हम लोग बच्चे क्या करेंगे, प्लस वाला पहले लिख लेंगे, तो हो जाएगा फोर टैन थीटा की वैल्यू आ गई तीन बटा चार, माइनस प्लस का प्लस क्या हो गया पाँच बटा चार, माइनस का वन। बच्चों अब यहाँ पे हम कर सकते हैं फोर टैन थीटा की वैल्यू तीन बटा चार प्लस वन माइनस का पाँच बटा चार। बच्चों ध्यान देना कि यहाँ पर जब हम ये कट करेंगे तो ये कट हो गया,
अब बच्चे का क्या, 3 + 5/4, बिकॉज मल्टीप्लाई से पहले करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई क्या करते हैं, बॉड मॉस के रूल के अनुसार किसी भी कैलकुलेशन में मल्टीप्लाई पहले होगा फिर प्लस माइनस होता है, है ना, तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई किया तो कट गया, बचा क्या 3+, यानी अब इसको करो तो पूरा का पूरा लासा ले लो, एलसीएम ले लो, पूरे में आ गया एलसीएम 4। यहाँ पे देखो जब एलसीएम 4 लिया तो यहाँ पे 1 बचा ना, अब तो 1 का 4 को 1 से भाग करो 4 आएगा ना, तो 3 × 4 यानी 12 हो जाएगा। इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन है नॉर्मल सी, 3 × 4 = 5 − 1। यहाँ पे देखो पूरे में एलसीएम 3 × 4 = 4 × 4 = 16 − 5, कुछ ऐसा आएगा बेटा। अब यहाँ पे जब हम करेंगे तो क्या आएगा, 12 × 5 = 17 और 17 में 1 गए तो 16/4, और यहाँ पे 12 × 5 = 17 × 16/4, और यहाँ पे 16 × 5 यानी 11/4। बेटा कहीं पे तो कुछ गड़बड़ हुआ है, हाँ यहाँ पे गड़बड़ हुआ है कि जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो 3, 4, 3, 12 पर प्लस 5 और माइनस का 4 बन जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा ये 12 × 5 = 12, 5 × 5 = 12, 5 कितना होगा 17, अरे यहाँ पे ठीक है 12 × 5 = 17 और 17 में 4 गया तो 13, और ये कटा तो कितना आ गया 13/11। ये रहा उत्तर, समझ में आया कि नहीं आया, कह दो गुरु जी आप तो करने बैठते तो पीछे मुड़ते ही नहीं है, बताओ किसी को किसी में दिक्कत होगी तो कमेंट कर देना, अभी तो ये ऑनलाइन है, लाइव तो है नहीं कि हम तुम्हारे कमेंट देख पाए, है ना, अगर कोई भी समस्या हो तो आप बताइएगा, मैं उसका निवारण निकालने का प्रयास अवश्य करूँगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे अभी बढ़ेंगे कुछ देर बाद, ठीक है, समझ में आ गया होगा, पूरा अच्छे से डिटेल दिख भी रहा, मुझे लग रहा है कि एकदम अच्छी वीडियो जा रही है, बकायदा सब कुछ बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, थोड़ा कैमरा टेढ़ा सा लगा हुआ है जैसे लग रहा है ना, चलो अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो 6 का 2nd, चलो 6 नंबर पे इरेज करते हैं आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन तो है ही, करो तब तक ट्राई। अरे बेटा चलो आगे आ जाते हैं, चलिए बेटा 6 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। लिखा हुआ है कि कोई ट्रायंगल एबीसी है, क्या है बेटा, कोई ट्रायंगल एबीसी है और एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, एंगल बी क्या है बेटा 90 डिग्री, मैं एंगल बी को क्या कर लेता हूँ 90 डिग्री बना लेता हूँ, ये एंगल बी हो गया, और बोला गया जो बी सी है उसकी हाइट जो है वो 7 है, कितनी हाइट है 7 सेंटीमीटर, राइट, और ए जो है ये नहीं पता कि हमें ए बी क्या है ए सी क्या है हमें नहीं पता, लेकिन एक कंडीशन दे रखी है बच्चों, है ना, एक कंडीशन गिवन पे हमेशा ध्यान दिया करो, गिवन पे क्या गिवन है, तो गिवन बच्चा है ए सी माइनस ए बी है, यही तो है दिया हुआ है ए सी माइनस ए बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, थोड़ा नीचे कर देते ए सी माइनस ए बी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और बेटा बी सी दिया है वो दिया दे रखा है बी सी दे रखा है, यहाँ पे नहीं यहाँ पे लिख देता हूँ, बी सी दे रखा है 7 सेंटीमीटर। अब बेटा बच्चों ध्यान देना, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना कि अगर मैं ए बी को एक्स मान लूँ, ए बी को
एक्स मान लूं तो यहाँ पर एसी कितना आ जाएगा, एसी यानी यहाँ पे एक्स माना तो जो एसी है वो आ जाएगा वन प्लस एक्स, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, हो गया कि नहीं हो गया, ए बी जो है वो एक्स है तो ए सी कितना हो गया वन प्लस एक्स हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, ना आया हो तो मेरे प्यारे बच्चों एक बार बता दो, है ना, मैं दोबारा से बताने का प्रयास करूंगा कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब निकालना क्या है, निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ए माइनस साइन ए, क्या निकालना है, कॉस ए माइनस साइन ए। अब कोई एंगल ए है, कॉस ए साइन ए का प्रयोग किया जा रहा है, यानी मैं एंगल ये मान लेता हूँ इसके हिसाब से। बेटे मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे आपको वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू निकालने के लिए पहले तो आपको एक्स की वैल्यू भी तो चाहिए। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए आपको इन दोनों की वैल्यू निकालने के लिए एक्स की वैल्यू चाहिए, और एक्स की वैल्यू निकालने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम पता होना चाहिए, है ना। जब भी आपको किसी भी ट्रायंगल में एक्स दे रखा हो, मतलब किसी भी ट्रायंगल का मतलब है कि राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज अगर आपको दिया हो, तो आप जो है क्या करेंगे, फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, कौन से, पाइथागोरस थ्योरम का। और थ्योरम क्या बोलती है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और जब वैल्यू रखेंगे ना तो आप देखेंगे यहाँ पर एक्स की वैल्यू इजली आपके पास आ जाएगी, कैसे, एच क्या है वन प्लस एक्स होल स्क्वायर, पी क्या है बेटा, पी है सात का स्क्वायर, और बी क्या है, बी है एक्स का स्क्वायर। बच्चे यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लग रहा है, और फार्मूला क्या होता है बेटा, फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो एक वन है तो कोई मतलब नहीं, b कितना हो जाएगा x। बच्चों यहाँ पे हो जाएगा सात सत्य उनचास, और यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर, राइट। फिर एक्स स्क्वायर देखो ये इक्वल के जब इधर होता है और इक्वल के इधर होता है, और साइन सेम होते हैं, नंबर भी सेम होते हैं, तो दोनों कट जाते हैं, सीधे सीधे काट दो। कैसे होते हैं इसके बारे में जानकारी में, ये सब छोटे बच्चों के काम है, कि जब एक्स स्क्वायर इधर आ जाता है तो माइनस ये एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कट जाता है, तो मैंने डायरेक्ट काट दिया, मैंने क्या गुनाह किया, है ना। तो यहाँ पे 2x हो गया और ये 1 इधर जाएगा तो हो जाएगा 49 माइनस 1, और यहाँ पे 2x की वैल्यू आ गई 48 आ गई। और x की वैल्यू लाने के लिए हमको थोड़ा सा कैमरे पे देखना पड़ेगा, हाँ एकदम जगह है, बहुत है, फुल जगह है, और मैं शायद थोड़ा टेढ़ा भी लिख रहा हूँ, कोई बात नहीं। देखो तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आएगी 48 बाई 2, तो ये कटा तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 24। बच्चे जब ये 24 आई तो ये एक बढ़कर क्या हो गई, 25 हो गई। अब अगर मैं करता ना तो डायरेक्ट कर देता यहाँ पे, जानते हो कैसे, एक अंदाजे से, कि अगर ये 7 है तो ये 24 होगा, ये हाइपोटेन्यूस 25 होगा, ऐसे मैंने अज्यूम कर लिया जाता है कि अगर ये 7 है 24 से 25 हो जाएगा, भाई प्लस वन है तो यहाँ पे 7 24 25, जैसे 7 और 24 25 ट्रिपलेट होता है, तो अगर एक्स 24 है तो प्लस वन 25 ही तो आएगा, और कोई ट्रिपलेट ऐसा बनता ही नहीं कि 7 35 36 हो जाए, ऐसा कुछ बनता ही नहीं है, एक ही ट्रिपलेट बनेगा 7 24 25, जिसमें कॉमन डिफरेंस जो होता है वन आता है इसी में, और कोई होता नहीं। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर सकता था 7 24 25। अब बेटा आ गया, अब कॉस ए साइन ए दिया है, दे रखा है, कह दो गुरु जी बहुत ही जी है, कर लेंगे, है ना। चलो कॉस ए क्या होता है, बी एच, है ना, बी एच, और बी की वैल्यू क्या है बेटा, बेस 24 है, और एच क्या है 25 है, ये आ गया। और फिर साइन की वैल्यू क्या है,
माइनस साइन यानी साइन ए की वैल्यू निकाल लें, साइन ए यानी पी एच, पी कितना है बच्चों, पी है 7 और एच कितना है 25। मेरे प्यारे बच्चों अब दोनों को माइनस करना है तो माइनस कर दो, कॉस ए माइनस साइन ए निकालना था, कॉस ए की वैल्यू क्या आ गई 24 बटा 25 आ गई ना बच्चों, माइनस साइन ए की वैल्यू क्या है 7 बटा 25 है। बच्चों यहाँ से हम 25 एलसीएम लेंगे, यहाँ पे देखो 24 आ गया माइनस 25 एक कम 25 तो 7 आ गया, और 24 में 7 गया तो कितना आएगा बेटा 4 3 7 यानी 17 आएगा ना, 17 बटा 25 ये रहा आपका उत्तर। चौबीस में सात गए 4 3 7 17 तो आएगा 17 बटा 25 ये रहा आपका उत्तर। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, किस पे बढ़ते हैं आगे, और एक होमवर्क है ये जो क्वेश्चन है आपका, ये होमवर्क है ठीक है, इसके बाद वाला जो अभी आ गया आपके स्क्रीन पर ये होमवर्क है बच्चा, तो कृपया आप लोग होमवर्क करते रहिएगा, होमवर्क भी मिलता है ना आपको, त्रिनेत्रा फ्यूचर अकेडमी एक ऐसी कोचिंग जो देती है होमवर्क है ना, अरे सभी देते हैं, हम ही नहीं देते हैं, सभी ही देते हैं। चलो ये समझ में आया पक्का, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बेटे, अगला है इन इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 15/8, यानी होमवर्क वाला आप करेंगे घर पे है ना, होमवर्क वाला करेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे थ्रू आपको बताया जाएगा, हमारे थ्रू नेक्स्ट बहुत क्वेश्चन है बच्चे, क्वेश्चन की भरमार है, क्वेश्चंस की भरमार है, भरे हुए हैं क्वेश्चंस। चलो मिटा देता हूँ उसको, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ना लिया होगा दोबारा देख लेना। चलो आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन पे, लिखा हुआ है इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 15/8, कॉट थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है 15/8 ये दे रखी है, खत्म है ना, खत्म। पीबी होता टैन थीटा तो बीपी हो जाएगा क्या कॉट थीटा है ना, तो कॉट थीटा की वैल्यू ये वैल्यू इवैल्यूएट क्या करना है आपको, इवैल्यूएट करना है 2+2 साइन थीटा और एक ब्रैकेट में 1 - sin θ ये दे रखा है, अपॉन में क्या है बच्चों 1 + cos θ और एक ब्रैकेट में दे रखा है 2 - 2 cos θ। बहुत इजी है क्वेश्चन, नहीं कर पाओगे तो मैं बताऊंगा। देखो अब कुछ लोग सोचेंगे कि गुरुजी आप अपने हिसाब से दिमाग लगाओ, 15 सेकंड में आप दिमाग लगाइए और मैं फिर बताऊंगा कि आप किस तरह इसको इजी तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, दिमाग लगाइए, आप कमेंट करते रहिएगा जो दिमाग लगाइए है ना, लगाइए दिमाग जरा मैं भी देख लूँ क्या दिमाग लगाते हैं आप। लगा चुके बेटा दिमाग, अब मैं दिमाग लगाऊँ है ना, मैं पहले तो ये दिमाग लगाऊँ कि आप लोगों ने क्या क्या गेस किया होगा। कुछ बच्चे इसको जानते हो क्या किए होंगे, कॉस बाई साइन में बनाए होंगे, कॉस बाई साइन में बनाने के बाद कहो तो कॉस की वैल्यू 8 मान लिए हों, साइन की वैल्यू 15 मान लिए हों है ना, कुछ बच्चे ये करे होंगे, और कुछ बच्चे महारथी भाइयों कुछ बच्चे साइन और कॉस यहाँ पे कॉट बनाने का प्रयास किए होंगे कि इसको साइन में तोड़ देते हैं इसको कॉस में तोड़ देते हैं, इससे हो जाता है क्वेश्चन लेंदी। अब मैं देखो क्या करता हूँ, मुझे दिख रहा है कि अगर यहाँ पे साइन थीटा है यहाँ पर भी कॉस थीटा है यहाँ पर भी कॉस थीटा है यहाँ पर भी साइन थीटा है, यानी साइन साइन कॉस कॉस कोई ना कोई तो कॉम्बिनेशन बन रहा है,
तो मैंने देखा क्या कि सब कुछ मल्टीप्लाई में है। इसका मतलब अगर मैं यहां से टू कॉमन ले लूं, क्या कॉमन ले लूं, टू कॉमन ले लूं, तो ब्रैकेट में आएगा वन प्लस, यहां पे आ जाएगा साइन थीटा, क्या आ जाएगा साइन थीटा, और यहां पे जो आएगा वो आएगा वन माइनस साइन थीटा अपॉन बेटे वन प्लस कॉस थीटा, और यहां से देखो सब मल्टीप्लाई में है ना, तो यहां पर टू कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, और जब टू कॉमन लेंगे तो हमें पता है कि मैं तीन गुणा चार गुणा दो करूं, चाहे दो आगे लिख दूं, तीन गुणा चार करूं, तो आएगा तो इतना ही ना बेटा, आएगा उतना ही, चाहे गुणा इधर से इधर ले आओ, चाहे इधर से इधर ले आओ, अगर सेम नंबर है तो आएगा तो उतना ही। तो बेटा सेम वैसे ही जब मैं यहाँ पे टू कॉमन लूंगा तो टू जो है वो गुणा में होता है, मल्टीप्लाई में होगा, तो टू उठ के क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ और ये बन गया वन प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, टू कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बनेगा वन माइनस का कॉस थीटा। बच्चों अब इसको ध्यान में देखो, ध्यान से देखो इस दरिंदे को, इस दरिंदे को ध्यान से देखो जो हमारे बच्चों का दिमाग खराब करके रख दिया है। इसको हम इसका ऑपरेशन कर डालेंगे हम लोग, है ना, करो ऑपरेशन। ऑपरेशन करेंगे तो हमें दिख क्या रहा है कि टू तो ऐसे ही है, देखो ये टू और ये टू कट रहा है, मल्टीप्लाई में है, ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई, तो हमारी प्रॉपर्टी, हम इसको चाहे जैसे मोड़े आए, कोई क्या कह सकता है, प्रॉपर्टी भाई ये पूरी मेरी है, प्रॉपर्टी पूरी मेरी, यहाँ पे कोई प्लस माइनस तो है नहीं कि जोड़ रहा है, कोई मेड़ जोड़ रही खेत की, खेत मेड़ ऐसे तो होती है, खेत दो खेत किससे जुड़ते हैं, एक मेड़ से जुड़ते हैं, यहाँ पे मेड़ नहीं दिख रही है, प्लस माइनस नहीं दिख रहा है कि जोड़ रहा है, अगर जोड़ रहा होता तो इतना कटता, लेकिन पूरी प्रॉपर्टी अपनी है तो अरे उड़ा दो यार, क्या दिक्कत है। चलो अब टू टू कटा तो क्या बन जाएगा फार्मूला, वन प्लस साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, कहेगा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाना तो बनेगा वन स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। बच्चे वैसे ही सेम नीचे बनेगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो जादू, पढ़ा था ना आइडेंटिटी, ना पढ़ा हो तो वीडियो में जाके देख लेना, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा काहे का फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर थीटा का होता है, काहे का होता है, कॉस स्क्वायर थीटा का होता है, और यहाँ पे वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा काहे का फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा का होता है, होता कि नहीं होता है, और ये बन गया कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट थीटा की वैल्यू क्या है, लौट के बुद्धू घर को आए, है ना, वही वाला हाल हुआ कि यहाँ पे कॉट थीटा था तो 15/8 और यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा, यानी बच्चा कॉट की वैल्यू मैं इसी में पुट कर सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल कर सकता हूँ, तो कॉट थीटा की वैल्यू जब 15/8 है तो मैं यहाँ पे अगर स्क्वायर लगाता हूँ तो यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा, और 15 की वैल्यू आ गई 225 और 8 का स्क्वायर हो गया 64, यही रहा उत्तर आपका, इसका उत्तर ये हो जाएगा, और माई का लाल कोई भी आपको रोक नहीं सकता है, ध्यान देना 225/64 दिस इज़ योर आंसर, इट इज इट क्लियर, या क्लियर है ना। चलो अब आगे आ जाते हैं बेटा, अगला प्रश्न स्क्रीनशॉट ले लेना जल्दी से, हरियाप जल्दी से करो बच्चे, वो जल्दी से अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, ये कहो प्रश्न ऊपर आ भी ना पाए बेटा, थोड़ा सा और हमको नीचे से लिखना पड़ेगा। चलो बेटा अगला प्रश्न जो है वो लिखा है, इफ 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, प्रूव दैट टैन थीटा इज इक्वल टू 1/√3। वाओ बेस्ट क्वेश्चन है बच्चा, मिटा दूं,
क्या लिखा हुआ है? लिखा है 7 sin² थीटा, 7 sin² थीटा प्लस 3 cos² थीटा, 3 cos² थीटा। उसके बाद क्या लिखा है बच्चों? इज इक्वल टू 4। तो आपको शो करना है, शो करना है इस बार tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। क्या शो करना है? tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। हलवा क्वेश्चन है तब। कैसे? आपको देखने से लग रहा होगा कि यार ये तो फार्मूले की तरह बन रहा थी, आइडेंटिटी की तरह, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। देख लिया, समझ में भी आ गया, लेकिन अब इसको आप बनाएंगे कैसे? तो आप थोड़ी सी अगर दिमाग लगाएं तो आप ध्यान देंगे कि आप यहाँ पे इसको 7 sin² थीटा को तोड़ सकते हैं 4 sin² थीटा प्लस 3 sin² थीटा में। तोड़ सकते हैं कि नहीं बच्चों? अगर मैं 7 sin² थीटा को 4 sin² थीटा प्लस 3 sin² थीटा में तोड़ूं तो कितना आएगा? 4 × 3 = 7, यानी 7 sin² थीटा आएगा कि नहीं आएगा? तो सेम हमने तोड़ दिया और यहाँ पे आएगा 3 cos² थीटा इज इक्वल टू 4। बच्चों देखो, अब इन दोनों को देखो, इन दोनों को देखो, तो यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है। अब दिमाग तुम्हारा ठनक गया होगा, अब हो जाएगा तुमसे। कैसे? 4 sin² थीटा प्लस अगर 3 आपने कॉमन लिया तो आपको क्या मिल जाएगा? cos² थीटा इज इक्वल टू 4। बच्चों sin² थीटा प्लस cos² थीटा आइडेंटिटी आपने पढ़ी है ना बच्चों, क्या होती है? 1 होती है। होती है कि नहीं होती? तो यहाँ पे हो जाएगा 4 sin² थीटा प्लस 3 × 1 इज इक्वल टू 4। अब बेटा 4 sin² थीटा इज इक्वल टू 4 × 3 = 3, 3 × 3 = 3 और 4 × 3 = 1, देन sin² थीटा इज इक्वल टू 1/4 आएगा ना। 4 ये वाला 4 जो है नीचे आ जाएगा और 4 × 3 = 1 तो 1 आएगा और ये वाला 4 नीचे आ गया, sin² थीटा बना। अब साइन थीटा की वैल्यू निकाल लो, काहे की वैल्यू निकाल लो? साइन थीटा की। तो साइन थीटा जो है वो क्या बन जाएगा? 1/4 और रूट ऐसे लग जाएगा, और जब रूट लग जाएगा तो साइन थीटा की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 1/2। सब समझे कि नहीं बेटा? समझे कि नहीं बेटा? चलो अब यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? पीएच होती है, यानी ये पी हो गया तो ये एच हो गया, हो गया ना। अब बेटा टैन थीटा निकालना है आपको, अब सिर्फ यहाँ पे टैन थीटा निकाल लो 1/√3 के बराबर, प्रूव हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो बेटा अगर मैं देखूँ H² = P² + B² होता है, यहीं से कर लेता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। क्या होता है बच्चों? H² = P² + B² होता है कि नहीं होता? H क्या दे रखा है? H दे रखा है 2, यानी 2 का स्क्वायर। P दे रखा है 1, यानी 1 का स्क्वायर, और बेस तुमको निकालना है। P by B होता है ना tan थीटा, तो हमें बेस निकालना है। तो यहाँ पे 4 हो गया, ये 1 है तो ये 1 इधर आएगा, B² और रूट स्क्वायर इधर आएगा ना, तो 3 बन जाएगा और 3 के ऊपर ये लग जाएगा रूट, यानी B की वैल्यू क्या आ गई? √3। और tan थीटा जानते हो क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल टू होता है, ये लिखा है 1/√3, और तो इसी के बराबर हमको tan थीटा करना, और tan थीटा होता है P/B। और P/B की वैल्यू क्या होती है? अगर मैं P/B देखूं तो P क्या है यहाँ पे? P आ गया था 1, P कितना आया? 1, और B आ गया √3।
तो LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं इसको मिटा के सीधे लिख देता हूँ 1/√3। तो यहाँ पे 1/√3 इज इक्वल टू 1/√3 LHS इज इक्वल टू RHS। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। देखो एक नियम और बता देता हूँ कि आप गिवन जो है इफ दिया है उसमें छेड़खानी करके छेड़ कर उसको कोई इजी मेथड में बना सकते हो और इजी मेथड बना के फिर आप प्रूव कर सकते हो आराम से, कोई आपको रोकेगा टोकेगा नहीं। आप इधर भी आधा सलूशन करो, आप इधर भी आधा सलूशन करो, दोनों मैच हो जाएं, एक को उठा के इसमें वैल्यू पुट कर दो, तब भी इजी, तब भी हो जाएगा, कोई आपको रोकेगा टोकेगा नहीं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके लल्लन टॉप सीरीज का। ठीक बच्चों, ओके आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, मीट यू टुमारो, मीट यू नेक्स्ट वीडियो, राइट, थैंक यू।